मैं तो गया मारा आके यहाँ रे के यहाँ रा आ गई छत पे और अभी बारिश हुई, बहुत बहुत अच्छा लगा। और वो देखिए जो उधर अभी सीधे समाप्त किया है, मतलब ख़त्म किया है, और बस मैंने कहा दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और मैं दूसरे ब्लॉग में दिखा रही हूँ कि तुम क्या कर रही हैं, दोनों बहन और माँ बेटी दोनों क्या कर रही हूँ, अब आपको दिखाती हूँ मैं। क्या रील्स बनाने, तोड़ दो रील्स बनाने के लिए ब्लॉग, सॉरी क्या रील्स बनाने के लिए तैयार हुई है। ये देखिए लहंगा पहनी है और ये वो मेरा वाला है ना, वही। और ये सौम्या भी देखो क्या कर रही है यहाँ पे। ये जब छत पे जाओ वीडियो शूट करने सब देखने लगते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और आज घूमने की प्लानिंग थी थोड़ा पहाड़ एरिया पे जाने की, लेकिन अभी गए नहीं पहाड़ पे, पहाड़ के पास जाएंगे और देखते हैं। बारिश हो गई थी, अभी जाते हैं, या फिर जा देंगे तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। अंधेरा तो होने वाला है, फिर वीडियो शूट कर नहीं पाएंगे अंधेरा हो गया तो, है ना सौम्या। नीता वीडियो शूट कर रही है, मैं शूट कर रही हूँ। बस सामने से गाड़ी आ रही है, देख लो देखिए कितना सुंदर लग रहा है पहाड़, देख रहे हैं कितना सुंदर पहाड़ लग रहा है। कहा कि थोड़ा सा वीडियो शूट किया जाए और ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। टहलने निकले हैं, टहलने फिर उसको देखो, फिर से गाओ गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे के यहाँ। रात ज्यादा हो गई, हम लोग को लौटना चाहिए मालूम है, नहीं तो कुछ लफंगे फंगे मिल गए ना, बोलेंगे यार कितनी सुंदरी है, लड़कियाँ जा रही हैं, कितनी सुंदरी जा रही, सुंदरी परदेसी की यहाँ कोई नहीं। तो हमने कहा यहाँ का एरिया आप लोगों को दिखाया जाए थोड़ा सा, चलो बस मिलते हैं फिर आगे। हाँ, वो आंगनबाड़ी है और ये गांव के घर, देखो ऐसे होते हैं गांव के घर, देख रहे हैं छप्पर खपड़े वाला गांव के घर पूरे ऐसे होते हैं। कहाँ गांव में भी अब नहीं मिलते हैं, अब तो पक्के हो गए हैं। चलिए घूम लीजिए मेरे साथ, ये देखिए पूरा अभी सामने पहाड़ आने वाला है, देख रहे हैं बैठे होते बोर होते हैं। ये देखिए ये वो पीछे पहाड़, कभी मैं हम लोग दिन में आएंगे ना तब आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ कितना जा, ये हाईवे रोड है, ट्रक चल रही है और आज ऐसी दुर्घटना होते होते बची ना, यहाँ पर एक एक्सीडेंट होते होते बचा एक दादी माँ का, फासला आधा फासला था और वो बच गई बिल्कुल, एक दादी माँ का हाथ पे, ये कार थी और ये लेडीज थी, मतलब बिल्कुल धक से हो गया यार। कहते हैं ना क्या बोलते हैं, कौन सी कहावत है, जाखू राखे साईया मार सके ना कोई, वही हाल है। तो बहुत अच्छा, मतलब बच गई वो माँ, दादी माँ, बहुत डर लग रहा था। हम लोग यहाँ आए थे वीडियो शूट करने, लेकिन अब यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि एरिया अच्छा नहीं है, हो सकता हम लोग का मोबाइल छीन ले कोई, समझ रहे हैं ना, मोबाइल छीन ले, उसका कुछ हो जाए मोबाइल छीन ले, इसलिए हमको निकलना चाहिए। काफ़ी अभी एक दो रील्स शूट करेंगे फिर उसका निकलेंगे ना, रील्स शूट करना है जल्दी शूट कर लो एक रील्स, क्योंकि मोबाइल भी छीन सकते हैं, ऐसा कौन है। बहुत अच्छा लग रहा है अभी, कभी थोड़ा सा मतलब कि इसमें आएंगे, ये देखो ट्रक चल रही है, इधर से रास्ता नहीं है, गंदगी में जा रही है, देखो तो वीडियो बनाने के लिए गंदगी में जा रही है, कितनी गंदगी, छी 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 छी। चलिए मैं भी जा रही हूँ रील्स शूट करने, फिर निकलेंगे घर की ओर और फिर जाकर बनाना है ढोकला, और ढोकला फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि मैं ढोकला कैसे बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आऊँगी तो साड़ी पहन के आऊँगी, साड़ी तब तो उसका वीडियो शूट करूँ साड़ी पहन कर आने पर। अंधेरा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है और हम लोग को यहाँ निकलना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ यहाँ पर अनजान और अच्छा नहीं है, इतने रात हम लोग बाहर हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर और फिर बनाएंगे ढोकला। ढोकला बनाने के लिए भिगो भी दिया था आपको पता ही है, और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया, देखो इसमें का उधर है रही है पोहा नमकीन, सुनीता भी खा रही हो, मैं भी खा रही हूँ साथ में, मैं है।
लेकिन मैम को नहीं दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको हम इनके घर आए हैं, हमारे घर के बाजू में ही हैं, सर की वाइफ उन्हीं के घर में आए हैं और अभी हमारा खाना नहीं बना है और जाना है कल स्कूल और पढ़ाई भी करनी, खूब सारी पढ़ाई करनी, पता है आप लोगों को। अभी जाएंगे लेसन प्लान लिखेंगे फिर पढ़ाई करेंगे और देखते हैं, वही बेसन भी गोई हूँ, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, देखते हैं बनेगा नहीं बनेगा, जैसे भी वो खा लेंगे वो। बाबू बोलो ना, ये देखिए सर सर का बाबू है, ये बेटा है, क्या नाम है, क्या नाम है बेटा, नाम बताओ, नाम बताओ बेटा, ऐसे तो बच्चे को करना चाहिए। बाबू बच्चा शर्मा रहा है इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं अभी। हम जैसे कि मैंने बताया था ढोकला बनाने के लिए, ढोकला मैंने बनाया है, बना रही हूँ, ऐसे कढ़ाई में रखी हूँ और पहली बार बना रही हूँ, पता नहीं क्या होगा, और ऐसी मैंने थाली में तेल लगा दिया है और कढ़ाई में नीचे पानी डाला है और इसको मैं ऐसे, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे भी रख देती हूँ ऐसे, जिससे कि इसमें रहेगा भाप, इसी में रहेगा, लेकिन भाप तो निकल रहा है, अब देखते हैं और बन जाएगा ढोकला तो फिर हम आपको दिखाएंगे ढोकला बन भी पा रहा है कि नहीं पा रहा है। और दूल्हे का शैम्पू से धुलाएगा इसलिए, हाँ देखते हैं ढोकला बनता है या ढोकला के पापा बनते हैं कि पहली बार बना रहे हैं, पता नहीं अब दोस्तों बनता है कि नहीं बना, पहली बार ट्राई कर रही, लेकिन वो साधन अच्छा नहीं, मुझे लगता है एल्युमिनियम के बर्तन में ज़्यादा अच्छे से ढोकला बनता है, उसमें चिपकता नहीं है, और ये स्टील का बर्तन है, ऑयल लगाई थी, हाँ तेल लगाई हूँ, तेल लगाएंगे लेकिन मुझे नहीं लगता इस पे बन पाए। सर उधर दिख रहे हैं अंधेरे में, अंधेरे में सर दिख रहे हैं, सर को सदमा लग रहा है, हम लोग जा रहे हैं तो नहीं, अच्छे नेचर के हैं सर, हम लोगों को काफी सपोर्ट किए हैं, उन्होंने देखो पलंग भी दिया हम लोगों को सोने को, ये देखो ये वाला पलंग उन्होंने ही दिया है। और दोस्तों मैं मुझे बताइए मेरा सूट कैसा लग रहा है, पहले और ठीक है दोस्तों, सही में बहुत ज्यादा उन्होंने हेल्प किया हमारी, और अभी हम देखिए दूसरे शहर पे आए हैं तो हमें इन्होंने मतलब हेल्प भी की है, हमारा मतलब कह रहे आर्थिक रूप से भी उन्होंने हेल्प की है, जिससे कि हम अपना जो भी हमें किराना या हमें जो सामान सब चीज़ों भी लेना था वह लिया हमने, उन्होंने दिया, और अभी है, और अभी जब हम हमारी पेमेंट होगी तो फिर हम उनको रिटर्न करेंगे, साथ में उन्होंने पलंग दिया हमको, और वहाँ पर देखिए वो देखिए वो बाल्टी भी हमको दिया है, तो देखिए सही बात है, बाहर आके अगर कोई हमारी हेल्प करता तो बहुत एक अच्छे इंसान की पहचान है। ये क्या कर रही है सौम्या, बहुत बदमाशी है, पढ़ती नहीं, और आज पढ़ाई की है तुमने, नहीं पढ़ती नहीं है दोस्तों, ये पढ़ती बिल्कुल नहीं है, अभी थोड़े से पढ़ाई कर ले, नहीं तो कल पढ़ाएंगे क्या बच्चों को। देखिए दोस्तों हम लोग हम बना रहे लेसन प्लान, ये सब किताबें हैं और हमको कल पढ़ाना है, इसलिए हमें इसके लेसन प्लान बनाना पड़ेगा और तैयारी करना पड़ेगा, बस सुनीता भी वही काम कर रही है, पढ़ाई 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 बच्चों पढ़ाई प्लान, चलिए हम बना लेते हैं, मेरा लेसन प्लान बताइए कैसा बना, मैं दिखाती हूँ नीचे बैठे हुए दिक्कत हो रही है पता है, ये देखिए मेरा लेसन प्लान बच्चों पढ़ाने वाला, और आगे का डिजाइन दिखा दो, क्या बनाई आगे का डिजाइन बनाओ कवर का, और ये कवर बनाया है मैंने, बताइए कैसा लग रहा है, वहीं वहीं करो आगे में करते रहना फोर्थ पीरियड वगैरह नहीं, थोड़ा फोर्थ तो होगा ना,
करने के लिए मैं सोच रही हूँ किसी चाकू से। अच्छा ये ऐसे ढोकले बनते हैं? अब मैंने पहली बार बनाया, हमको क्या पता है, अब देखते हैं कैसे बनी, स्पंजी है कि नहीं है, वो तो देखने पता चलेगा। अब जो मैं कटिंग कर रही हूँ दोस्तों, पहली बार बना रही हूँ, ठीक है, टच करके देखिए। हाँ लग तो रहा है, देखो स्पंजी है, देख। चलो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इसको, मुझे लगता है अभी कच्चा लग रहा है। ऐसे ही अभी तो उसको फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे अच्छा लगे बेटा? नहीं वो कच्चा नहीं है, ऐसे ही है, हो गया। इसको निकाल लेंगे दोस्तों, इसको हम, आप ऐसा करो इस थाली को पलट के एक दूसरी प्लेट निकाल लो पहले, फिर पीस करो तो आपका क्लियर निकलेगा। तो कट हो गया। हाँ तो इसी जाके एक प्लेट पे आप पटक दो जाके। तो दोस्तों ये भी हम इसको फ्राई करेंगे, उसमें तेल किससे, कड़ी पत्ता से, राई से और मिर्च से बन गया। बाकी देखिए पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, इधर ये पढ़ाई, ये बस राइटिंग करने में पड़ी है अभी। आप देखते हैं इधर चलते हैं किचन, बाप रे किचन कितना फैला हुआ है, देख लीजिए, देख रहे किचन कितना फैला हुआ है, पलट के देखते हैं बीच में। ढोकले बन के तैयार हो गए हैं और ये देखिए मैंने इसे तड़का भी लगा दिया है और फर्स्ट टाइम बनाई हूँ, कोशिश अच्छी रही है, बस थोड़ा सा नमक तेज हो गया है, नमक का अंदाजा मिसल में आया और बन चुका है ये, और बस हम इसको खाने के तैयार हैं। साथ में इसमें रखेंगे प्याज और सोचे थे मूंगफली चटनी पीसेंगे, बट हमारे पास मिक्सी नहीं है जिससे हमें दिक्कत होगी मूंगफली चटनी पीसने में, तो हम वो नहीं बना सकते हैं। अच्छा मिक्सी है उनके, तो मूंगफली चटनी नहीं पीसेंगे, वो है टमाटो सॉस है हमारे पास और है चिली सॉस उसके साथ। बस ये वीडियो यहीं तक ही, ये ब्लॉग यहीं तक ही, फिर नया ब्लॉग कल स्टार्ट करेंगे सुबह से। और बस बना लिया है ढोकला और हम खाएंगे, अब इसके वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर आपको अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।